हेलो फ्रेंड्स, फोर पार्ट वीडियो सीरीज़ ऑन फंक्शनल हेल्थ के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जिन्होंने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो अभी तक नहीं देखा है, उसका लिंक मैंने ऊपर दिए हुए डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, आप वहां जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं वह टॉपिक है वेलनेस। दोस्तों, वेलनेस एक ऐसा टॉपिक है जिसका डेफिनेशन एक छोटे से सेंटेंस में नहीं बांधा जा सकता। वेलनेस को हम केवल एब्सेंस ऑफ सिकनेस से नहीं डिफाइन कर सकते, लेकिन इसके एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं। हम सभी की लाइफ में कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है जिसे हम अपने लाइफ स्पैन के दौरान पूरा करना चाहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स फैमिली ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, ये मटेरियल गोल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि अपने लिए एक प्रॉपर्टी तैयार करना या कार खरीदना या ऑल द गैजेट्स दैट वी बाय इन आवर डेली लाइफ। ये आपके फाइनेंशियल गोल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि आप अपने फाइनेंशियल एसेट्स तैयार करते हो थ्रू आउट द लाइफ। या ये आपके हेल्थ गोल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि पूरी ज़िंदगी फिट रहना, अच्छी सेहत रखना, लीडिंग अ यूज़फुल लाइफ। ये आपके करियर गोल्स भी हो सकते हैं, आपके एम्बिशन को फॉलो करना, आपके पैशन को फॉलो करना, आपके करियर का सक्सेस। ये आपके लीजर गोल्स भी हो सकते हैं, आपके पर्सनल गोल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि ट्रैवल करना या फिर अपने पर्सनल टाइम को एंजॉय करना। इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पर हम ना केवल अपनी पर्सनल आइडेंटिटी बनाते हैं, बल्कि इन्हीं के ऊपर हमारी लाइफ को सक्सेस या फेलियर डिफाइन किया जाता है, और यही हमारे ओवरऑल पर्सनालिटी को भी कहीं ना कहीं ज़रूर इम्पैक्ट करती है। डिक्शनरी के हिसाब से वेलनेस दो पैरामीटर्स यानी माइंड और बॉडी के बैलेंस पर डिपेंड करता है। आप एक एक्टिव लाइफ जी सकते हैं यदि आप अपने माइंड और बॉडी को बैलेंस कर सकें। इसके लिए आपको एक अच्छी डाइट अपनानी होगी, रेगुलर एक्सरसाइज पर फोकस करना होगा और बैड हैबिट्स जैसे कि स्मोकिंग, एल्कोहल और फास्ट फूड को ना कहना होगा। वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के हिसाब से वेलनेस को तीन पैरामीटर्स में डिफाइन किया गया है। आप एक हेल्दी और एक एक्टिव लाइफ जी सकते हैं लंबे समय तक यदि आप अपने मेंटल, फिजिकल और सोशल बैलेंस को बनाकर रख सकें। वहीं नेशनल वेलनेस इंस्टीट्यूट वेलनेस का एक बहुत ही डिटेल्ड डेफिनेशन देता है। नेशनल वेलनेस इंस्टीट्यूट एक ऐसी ग्लोबल बॉडी है जो वेलनेस के पैरामीटर्स को ग्लोबली डिफाइन करती है। इन्होंने वेलनेस को इन 8 पैरामीटर्स के ऊपर तय किया हुआ है: फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, एनवायरमेंटल, फाइनेंशियल, ऑक्यूपेशनल और सोशल। फिजिकल वेलनेस हमारे फंक्शनल हेल्थ को डिफाइन करता है, वहीं इमोशनल वेलनेस ऐसे फैक्टर्स जैसे कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, वरी, फियर, हैप्पीनेस इनको डिफाइन करेगा। हमारी इंटेलेक्चुअल वेलनेस हमारे प्रोफेशनल अचीवमेंट से और हैप्पीनेस से पता लगती हैं। हमारा स्पिरिचुअल वेलनेस हमारे फेथ्स और बिलीफ्स पर डिपेंड करता है। एनवायरमेंटल वेलनेस हमारा माहौल, हमारे एसोसिएशंस पर डिपेंड करेगा। हमारा फाइनेंशियल वेलनेस हमारी वेल्थ एक्यूमुलेशन, हमारी प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल स्टेटस पर डिपेंड करती है। ऑक्यूपेशनल वेलनेस हमारे वर्क प्लेस हैप्पीनेस को दर्शाता है, और सोशल वेलनेस हमारे सोशल सर्कल, फैमिली, फ्रेंड्स इनको डिफाइन करता है। इन शॉर्ट, इन्हीं 8 पैरामीटर्स के ऊपर हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ तय होती है, जिसे हम वेलबींग भी कह सकते हैं। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जितनी अच्छी होगी, आपकी वेलबींग भी उतनी ही अच्छी होगी, और वही ना केवल आपके लॉन्ग टर्म लाइफ पर बल्कि आपके ओवरऑल हेल्थ पर भी इम्पैक्ट करेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।